गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने लेसन 8 आर्टिकल्स पढ़ा था। आज हम लोग लेसन 9 पढ़ेंगे, दिस दैट दीज दोज। इन वर्ड्स ये है, आप पेज नंबर आप पहले खोल लेंगे। पेज नंबर है 6868 और चैप्टर 9 दिस दैट दीज दोज, है ना। इन वर्ड्स को हम लोग शोइंग वर्ड्स बोलते हैं। ये वर्ड किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए होते हैं, किसी चीज़ को बताने के लिए। कौन सी चीज़, इन वर्ड से हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ नज़दीक है और कौन सी चीज़ दूर है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग, जैसे कोई चीज़ नज़दीक है तो जैसे ये बुक, यहाँ देखो देखो ये बुक सिंगुलर है और ये नज़दीक है, एक बुक है तो दिस बुक। और ये ढेर सारी हैं, दो बुक्स हैं प्लूरल फॉर्म में, तो दीज बुक्स नज़दीक के लिए। ये दूर है किताब तो दैट बुक, और ये दूर है किताबें तो ये दोज बुक्स, है ना। तो ये इंडिकेट करने के लिए होता है। तो अब हम लोग सबसे पहले कॉपी पे काम करेंगे। आप लोग अपनी कॉपी ओपन कर लेंगे और उस पर ऊपर लिखेंगे लेसन 9 दिस दैट दीज दोज, और जिस डेट में काम करेंगे बेटा उस डेट को मेंशन जरूर करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर शोइंग वर्ड्स। तो शोइंग वर्ड्स कौन कौन से हैं, दिस दैट दीज एंड दोज आर शोइंग वर्ड्स, दिस दैट दीज एंड दोज आर शोइंग वर्ड्स। They show if the person, animal or things we are taking about is near or far, नज़दीक या दूर के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। They show if the person, 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 animal, animal or things, things, things we are taking, taking about is नियर, एन ई ए आर नियर मतलब पास होता है, और फॉर, ठीक है। इसको आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। अब देखो ये बुक जो है ये नज़दीक है ना, तो बोलेंगे दिस इज अ बुक। ठीक, अब ये बुक्स हैं ढेर सारी तो These are books. ये दूर है किताब तो वो लिखेंगे That is a book. और इसको लिखेंगे Those are, तो books तो लिखा ही हुआ है, मैं लिखने जा रहा था books तो लिखा हुआ है ना, Those are books. अब देखो यहाँ पर, देखो ये लड़की नज़दीक है तो इसलिए बोले दिस इज़ अ गर्ल, ये बॉय दूर है तो बोलते दैट इज़ अ बॉय, दीज आर गर्ल्स ढेर सारी हैं लड़कियाँ, दैट दोज आर बॉयज, है ना। अब इसमें मैच द प्रोनाउंस विच आर वन इन द सेंटेंस इन कॉलम ए विद देयर मोर देन वन फॉर्म इन कॉलम बी, दिस इज अ न्यू टेबल। तो दीज आर न्यू टेबल्स, इसको इसके साथ मैच कर दो। ठीक, दैट इज स्मॉल हट, दोज आर स्मॉल हट्स, दिस इज एन ओल्ड पेन, दीज आर ओल्ड पेन्स, दैट इज प्रिटी किटन, दोज आर प्रिटी किटन्स, दिस इज अ ब्लैक बर्ड, दीज आर ब्लैक बर्ड्स। हो गया, अब देखो अब हमें यहाँ पर लिखना है चेंज दिस टू डैट एंड दीज टू दोज, दिस बॉयज इज रीडिंग, दैट गर्ल इज रीडिंग, दिस इज अ पिंक फ्रॉक, दैट इज अ ग्रीन कोट, दीज आर टॉयज, दोज आर books, these are hens, those are ducks. क्या, अब देखो next,
लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द दिस दैट दिस दोज. देखो ये दूर है, हाथ लंबा करके बता रहे ना, यहाँ छोटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज अ ट्री, दीज आर प्लूरल फॉर्म है, दोज आर हट्स. हो गया. अब देखो यहाँ पर लुक एट द पिक्चर एंड मेक सेंटेंस यूजिंग दिस दैट दीज एंड दोज. वन हैज बीन डन देयर, दैट इज अ काउ, तो ये हो जाएगा दीज आर कप्स. देखो यहाँ एंड शॉर्ट है, तो नज़दीक बता रहा है, ये देखो ये दूर, तो दोज आर बर्ड्स. This is a book. Or those are bananas. Okay? देखो draw a picture of the following and the picture should be near or this and for that. देखो अब this is an apple, यहाँ पर apple बनाएंगे. That is bell, यहाँ पर bell बनाएंगे, है ना. ठीक है, इसको आप कंप्लीट करेंगे. ये वाला अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया बेटा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय.